हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं इंडियन नेवी MRSSR भर्ती 2021। जैसा कि आपको पता है कि नेवी का भर्ती ऑलरेडी आ चुका है, उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है, लेकिन फिर से एक नया भर्ती आया है और इस भर्ती में सारे डिटेल्स डिस्कस करेंगे। क्या क्या आपके डाउट्स बनते हैं, जो भी आपके डाउट बनेंगे सारे डिटेल्स पे पूरा डिस्कस करने वाले हैं, A to Z, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। नेवी भर्ती जैसे आप देख रहे हैं फिर से भर्ती आ गई है, तो इस भर्ती के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं नंबर पर। हमारा नंबर है 7563830146। इस पर मैसेज करिए, 100% आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और अदर क्वेरी हो, क्वेश्चन हो अदर वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं या फिर इसी नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार आप लोग कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए और इसको स्टार्ट करते हैं। ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, ये दूसरे वेबसाइट पर, लेकिन कल तक आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी आ जाएगा, क्योंकि वेबसाइट पर कौन से वेबसाइट पर अपडेट हुआ है वो सारा कुछ आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो मेरा नाम है परमजीत और आप देख रहे हैं परमजीत क्लासेस यूट्यूब चैनल। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी छोटा बड़ा अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जरूर आप ऐड हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होता है तो हम आपको वहीं पर सबसे पहले अपडेट कर देते हैं। तो लेके चलते हैं आपको वेबसाइट पर। आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर पे जाना है और सर्च कर लेना है alljobsforyou.com, मतलब कि www.alljobsforyou.com, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपको सर्च कर लेना है और ऐसा इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। और आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, स्क्रीन को स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन नेवी स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2022 POSSR MR। और PO का मतलब यहाँ पर है PT ऑफिसर, SSR MR ऑफलाइन फॉर्म 1/2022 के लिए भर्ती निकाला गया है। और यहाँ पे आप सारा कुछ इसका डिस्कस कर सकते हैं, मतलब कि डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन यहाँ पे दिए गए हैं। वॉलीबॉल, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, स्क्वैश, फेंसिंग, गोल्फ, टेनिस, यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, इंडियन नेवी स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट हाईलाइट्स। यहाँ पे आप नेम ऑफ एग्जाम ज्वाइन इंडियन नेवी, पोस्ट नेम यहाँ पे देख सकते हैं PT ऑफिसर, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट मतलब कि SSR और मैट्रिक रिक्रूट मतलब कि MR, ये तीनों ही भर्ती निकाला गया है तीन पोस्ट के लिए। और टोटल पोस्ट कितने हैं ये अभी क्लियर नहीं किया गया है, कल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा तो सारा कुछ क्लियर। मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भरना है, लास्ट डेट इसका 25/12/2021 है, मतलब कि 25 दिसंबर इसका लास्ट डेट है। और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, बट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, आपको कल तक या शाम तक आज को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट हो जाएगा। तो और आप नीचे आइएगा तो जैसे यहाँ पे दिया गया है एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन विल भी मतलब कि 1 रुपया भी आपका नहीं लगना है, नो फी फॉर ST SC PH और वोमेन कैंडिडेट के लिए 1 रुपया भी नहीं लगेगा। चलते हैं, आपको नेम ऑफ पोस्ट आपने देख लिया, डायरेक्ट इंडी PT ऑफिसर के लिए, SSR के लिए और MR के लिए। आपका जो एज लिमिट है PT ऑफिसर, यहाँ पे PT ऑफिसर के लिए 17 से 22 साल होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 फरवरी 2000 से लेके 31 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे SSR के लिए, जो आपका SSR का भर्ती है उससे और MR दोनों के लिए जो एज लिमिट है 17 से 21 वर्ष का रखा गया है, मतलब कि 1 फरवरी 2001 से लेके 31 जनवरी 2005 तक आपका होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं आप, एज रिलैक्सेशन SC ST OBC PWD PH कैंडिडेट रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल, जो भी आपका रूल है, जैसे OBC में आपको 3 साल का छूट दिया जाता है, ST SC के लिए 5 साल का छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, डायरेक्ट एंट्री PT ऑफिसर और SSR के लिए आपका 10+2 होना चाहिए एनी स्ट्रीम को, मतलब कि कोई भी स्ट्रीम से हो उससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद स्पोर्ट्स में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, जो टीम गेम्स शुड हैव पार्टिसिपेटेड एट इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल, मतलब कि आपका आप पार्टिसिपेट करना होना चाहिए किसमें, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, या फिर जूनियर सीनियर लेवल रिप्रेजेंटेड एट और यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपने, या इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट आपने खेला है तो भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं MR के लिए, मतलब कि मैट्रिक रिक्रूट्स के लिए 10th पास आपका होना चाहिए और स्पोर्ट्स में आपका जो होना चाहिए वो इस सेम इसमें भी रखा गया है, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल टूर्नामेंट आप में मतलब कि पार्टिसिपेट किया हो। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहाँ पे दिया गया है, डिजर्विंग कैंडिडेट वुड बी कॉल्ड टू अपीयर फॉर ट्रायल्स, पहले आपका ट्रायल्स होगा उसके बाद ही जो कुछ होना होगा होगा, ट्रायल्स में आप क्वालिफाई करिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे दिया है मेडिकल एग्जाम, आई थिंक इसमें एग्जाम वगैरह नहीं कंडक्ट कराया जाएगा,
यहाँ पे आप देख सकते हैं INS हमला मुंबई, यहाँ पे मेडिकल एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद इनरोलमेंट विल बी फॉरवर्डेड टू सेलेक्टेड कैंडिडेट। उसके बाद सारे कैंडिडेट के पास जो भी सेलेक्ट होंगे मेडिकल में उनके पास इनरोलमेंट चला जाएगा। और उसके बाद जो भी हो, उसके बाद इसमें मेन चीज़ है, इसमें आपके पास ट्रायल, आपके ट्रायल में पास हो जाएंगे, उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग डेट अभी नहीं दिया गया लेकिन कल तक आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा। लास्ट डेट आपका 25/12 है। और आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है तो आप पूरा फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, हम आपको इसका फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। जय हिंद, जय भारत।